नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अगले शेडियो सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं। यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको भी ओमिक्रॉन से लॉकडाउन लगने का डर सता रहा है और आपको डर है कि इस लॉकडाउन में आपकी दुकानदारी कैसी रहेगी, खत्म हो जाएगी, दुकानें बंद रहेंगी, तो आपको अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ गई है मार्केट में एक ऐसी ऐप जो ओमिक्रॉन के दौरान आपकी सेल को सिर्फ बचाएगी नहीं ओमिक्रॉन से बल्कि बढ़ाएगी भी। ऐप का नाम है माई बिग ब्लिस ऐप, MYMYBIGBLISS माई बिग ब्लिस। इस ऐप से लाभ उठाने के लिए आपको बस करना है छोटा सा काम होगा कि अपना फोन उठाना है, माई प्ले स्टोर से जाकर माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और इस पर अपना स्टोर बना लेना है। आप जो भी सामान बेचना चाहते हैं, चाहे आप फल हो, सब्जी हो, कपड़े हो, फोन हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, आप इस ऐप पर बेच सकते हैं। आपको इस पर अपना स्टोर रजिस्टर करना है और आपके पास अब ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है, ऐप डाउनलोड बिल्कुल मुफ्त है, किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो तुरंत डाउनलोड कर लें माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से आज के कम्युनिटी बाजार के अपडेट की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो आज हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1789 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और सिल्वर भी $22.5 के आसपास ट्रेड करती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में आज भी कल वाले ही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। दरअसल डॉलर में उठापटक, ओमिक्रॉन के केसेस में कभी गिरावट तो कभी बढ़त, उसकी वजह से जो मार्केट सेंटीमेंट्स हैं वो थोड़े कभी नेगेटिव बन जाते हैं तो कभी पॉजिटिव बन जाते हैं। जिस दिन केसेस कम होते हैं उस दिन मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव बने रहते हैं और जिस दिन डॉलर में गिरावट आती है उस दिन सोना उठता नज़र आता है। तो इन्हीं सभी के चलते सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें अभी उठापटक का माहौल जारी है। हालांकि अगले साल में क्या है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि साल 2022 में जो सोना है वो अब के मुकाबले थोड़ा बहुत हल्का ठीक ठाक रिटर्न देता नज़र आ सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब तक ओमिक्रॉन लॉकडाउन की स्थितियां, फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से जो बयान निकल के सामने आ रहे हैं बार बार कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ को टाइट किया जा सकता है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ में बदलाव किया जा सकता है, इसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो इम्पैक्ट कर जाती है कहीं ना कहीं। और इंट्राडे में हम देखते हैं कि उठापटक का माहौल देखने को मिलता है। इसी का ही नतीजा है कि आज भी जो सोना और चांदी है वो भी कल वाले लेवल्स पर ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। बात करें यहां से अगर क्रूड ऑयल की तो देख रहे हैं कि WTI $71 पर है आधी फीसदी की तेजी के साथ और ब्रेंट क्रूड ऑयल $74 पर है हल्की बढ़त के साथ, दोनों ही हरे निशान पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल का वायदा बाजार आज ठीक ठाक लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। कल के मुकाबले कच्चे तेल की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। दरअसल अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन तो आ गया है लेकिन इसकी वजह से लॉकडाउन वाली परिस्थिति इतनी कोई गंभीर देखने को नहीं मिल रही है, इतनी डेथ केसेस भी नहीं देखने को मिले हैं। अमेरिका में कल को एक डेथ हुई थी ओमिक्रॉन से, वहीं इसराइल में एक डेथ हुई है, अब दोनों की पुष्टि हो चुकी है ओमिक्रॉन से कि इनकी डेथ जो है ओमिक्रॉन से हुई है। तो इतना कोई डेथ रेट ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला है और इतना कोई इम्पैक्ट भी देखने को नहीं मिला है अभी भी मार्केट्स के ऊपर या फिर पर्संस के ऊपर। लेकिन जो WHO है, WHO का अभी भी यही कहना है कि जो ओमिक्रॉन है वो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए पहले से ही अलर्ट रहें। तो जो विदेश हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं और भारत भी ओमिक्रॉन को देखते हुए अब काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुका है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो अलर्टनेस आई है लोगों के अंदर ओमिक्रॉन के प्रति और मार्केट सेंटीमेंट जो पॉजिटिव बने हैं, जो बिज़नेस पहले की तरह ही अपनी पटरी पर रन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो कच्चे तेल की जो डिमांड है, जो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो अभी एज इट इज़ बनी हुई है। हालांकि बीच में हमने थोड़ी बहुत डिमांड टूटती हुई देखी थी जब विदेशों में खबरें निकल के सामने आई थी कि लॉकडाउन वाली परिस्थितियाँ बन रही हैं, ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा ओमिक्रॉन फैलता नज़र आ रहा है, वहाँ भी लॉकडाउन वाली परिस्थिति है, न्यूजीलैंड में लॉकडाउन में और ज़्यादा टाइटनेस कर दी गई है, वहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करते नज़र आ रहे हैं। इन्हीं सभी खबरों के चलते क्रूड ऑयल का बाज़ार टूटता नज़र आया था लेकिन अब देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल का जो बाज़ार है वो ठीक ठाक ट्रेड करता नज़र आ रहा है। जो रिस्क एपिटाइट है क्रूड ऑयल की, जो रिस्क एपिटाइट है क्रूड ऑयल का, अब वो उसमें थोड़ी ठीक ठाक बढ़त देखने को मिल रही है कि हाँ अगर कोई रिस्क आता है तो उसको झेला जा सकता है, अभी ऐसी डिमांड निकल के सामने आ रही है। तो आज के कारोबारी सत्र में
सोना चांदी कच्चा तेल और बेस मेटल्स का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, आइए जानते हैं। रूपा जी देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर आज के कारोबारी सत्र में भी कल वाले लेवल्स पर ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या ये पूरा कारोबारी सप्ताह ऐसी सीमित दायरे वाला रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, सोने और चांदी के अंदर अभी फिलहाल बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है और बाजारों में ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव बनता हुआ जो दिखाई दिया था वापस से वहां से एक खरीदारी देखने को मिल रही है और अभी यहां से एक्सपेक्टेड है कि सोना जो है 1780 से लेकर 1820 डॉलर के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है और चांदी में भी कोई बहुत ज्यादा फिलहाल मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, 22.20 डॉलर से लेकर 22.60 सेंट तक की ट्रेडिंग अभी फिलहाल एक्सपेक्टेड है देखने को मिल सकती है और ये वाला हफ्ते की अगर बात करें तो काफी साइडवेज मोमेंटम फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि सोने और चांदी के अंदर देखने को मिल सकता है। जी तो यानी कि रूपा जी के अनुसार सोना अभी नीचे में 1780 से लेकर ऊपर में 1800 से 1820 की एक रेंज में एक सीमित दायरे में ट्रेड करता नजर आ सकता है। यहीं से रूपा जी देख रहे हैं कि आज क्रूड में थोड़ी बढ़त बनती नजर आई है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से भारत में लॉकडाउन वाली परिस्थिति नहीं बनी है और बिजनेस पहले की तरह ही रनिंग ऑर्डर में है तो जो रिस्क एपिटाइट है कहीं ना कहीं मार्केट का ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या क्रूड में आगे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? देखने को मिल रहा है जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि क्रूड जो है नीचे में 65 डॉलर से और ऊपर में 75 डॉलर की फिलहाल रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि आज डोमेस्टिक मार्केट में हल्की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है और विदेशी बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है, 71 डॉलर के पास है, पार कर चुका है तो अभी 75 डॉलर मैक्सिमम अगर अपसाइड आती है यहां से तो 75 डॉलर देखने को मिल सकती है। देखिए फंडामेंटली काफी सपोर्टिव लग रहा है लेकिन एक ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से बाजारों में ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर से जो है मुनाफा वसूली हावी होते हुए हमें दिखाई दे जाती है लेकिन अभी फिलहाल जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस ट्रेंड के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी कच्चे तेल में इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, तेजी बन सकती है 72 डॉलर के बाद 75 डॉलर मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकती है, वहीं नीचे में 68 डॉलर से लेकर 65 डॉलर की रेंज फिलहाल बनी रह सकती है। जी तो यानी कि अपसाइड मोमेंटम क्रूड में रूपा जी के अनुसार मैक्सिमम 75 डॉलर तक नीचे लेके जा ऊपर जा लेके जा सकता है और नीचे में 68 से 65 डॉलर के आसपास क्रूड की कीमतें कारोबार करती नजर आ सकती हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर लाल निशान पर इंटरनेशनल मार्केट में 4.3 डॉलर्स पर है, MCX जिंक हल्की सी करेक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, MCX निकल 1548 पर है, MCX लेड 191 पर, आपको क्या लगता है आज जो बेस मेटल्स में मिला जुला रुझान है आज उसके मद्देनजर बेस मेटल्स में इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए बेस मेटल्स की जहां तक बात है अखिलेश, बेस मेटल्स के अंदर इंट्राडे के अंदर थोड़ा सा आज करेक्शन देखने को मिल रहा है, ऊपरी स्तरों से बाजार दबाव के ऊपर आया है, 745 के आसपास आज हमें कॉपर देखने को मिल रहा है तो अभी फिलहाल नीचे में वही 740-738 तक लुढ़क सकता है आज जो गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है अभी भी, निकल पॉजिटिव है, 1560 तक की लेवल एक्सपेक्टेड है, वहीं अगर हम बात करें लेड और जिंक की तो उनमें भी अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है और मुझे लगता है कि अभी आज इंट्राडे थोड़ा सा दबाव वाला रह सकता है, जिंक नीचे में 284 से लेकर 282 तक पहुंच सकता है तो इन लेवल्स के आसपास वापस से बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है, मुझे लगता है कि निचले लेवल पर खरीदारी करके ही चलना चाहिए बेस मेटल्स के अंदर, आगे आने वाले दिनों में वापस से सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर रूपा जी बात करें अगर नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं कि बढ़त बनती नजर आई है पहले के मुकाबले, विंटर सीजन आ गया है, आपको क्या लगता है विंटर सीजन में जिस हिसाब से जो डिमांड निकल के सामने आई है नेचुरल गैस की तो क्या नेचुरल गैस में आगे और बढ़त देखने को मिल सकती है क्योंकि भारत में भी फरवरी तक ज्यादा ठंड का अनुमान लगाया गया है? देखिए नेचुरल गैस की जहां तक बात है अखिलेश, नेचुरल गैस के अंदर मुझे लगता है कि अभी सस्टेनेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव नहीं है, अभी डाउनसाइड ही बनता हुआ दिखाई दे सकता है, नीचे में 280 और ऊपर में 320 ये लेवल्स हैं, अगर इसके ऊपर निकलती है 320 के तभी तेजी बनती हुई दिखाई देगी, अदरवाइज नीचे में 280 से 260 का रेंज है, मुझे नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम फिलहाल दिखाई नहीं देता है, मेरे हिसाब से नेचुरल गैस के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी होते हुए नजर आ सकती है। जी रूपा जी आखिरी सवाल रहेगा नॉन एग्री कम्युनिटीज में आपसे, आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है?
टॉपिक की बात करें तो आज मुझे लगता है कि इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से जो सोना चांदी है वो ऊपरी स्तरों पर फिसल सकते हैं, वहीं जो सेफर साइड देखा जाए तो बेस मेटल्स में बाइंग करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि निकल जो है 1540 के आसपास भी मिले तो वहां पर बाइंग बनाई जा सकती है 1520 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 1560 से 1580 का टारगेट निकल के अंदर देखने को मिल सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि सेफ ट्रेडिंग के लिए आज बेस मेटल्स में रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा। उन्होंने निकल के जो लेवल्स दिए हैं, आप उन लेवल्स पर निकल में निचले स्तर पर खरीदारी में रह सकते हैं, और दूसरा सोने चांदी में आज कुछ हल्का नरमी वाला दबाव देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल सिलसिला बाजार को हमें अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।